कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से भागलपुर के लिए बड़ी खबर आ रही है। और इसमें हम आपको बता दें कि 6 और नए केस की पुष्टि हुई है। आज जो रिपोर्ट आई है बिहार सरकार के द्वारा जो जांच की जो तीसरी रिपोर्ट थी, जो जांच रिपोर्ट, उसमें 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें से जो पहला केस एक बार जो इसके पूर्व में पाया गया था सिकंदरपुर से, एक बार फिर एक और मरीज वहाँ से पुष्टि हुई है। 55 वर्षीय मरीज हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव के रूप में पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर के जगदीशपुर, शाहकुंड, नाथनगर, कहलगांव और बीरपुर प्रखंड से भी एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। इन 6 मरीजों में 2 महिला हैं, जिसमें से कि कहलगांव से 26 वर्षीय हैं और एक 62 वर्षीय हैं जो कि बीरपुर के बभनगामा से हैं। वहीं नाथनगर से 17 वर्षीय एक युवक की कोरोना पॉजिटिव के रूप में पुष्टि हुई है और जगदीशपुर से भी 25 वर्षीय और शाहकुंड से भी एक पुष्टि हुई है। तो इसमें 4 पुरुष और 2 महिला हैं, हम आपको बता दें। एक और जहां बिहार सरकार और भारत सरकार इसको लॉकडाउन में छूट देने के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे, इसको लेके कई नए राह तलाशे जा रहे थे और उसके लिए कई इनिशिएटिव भी लिया जा चुका था। हालांकि कोरोना के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय पहले ही ले लिया था कि 2 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन इस लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का जो एक कारण था वो आज एक बार फिर से सामने आया और दिखा कि भागलपुर में एक बार फिर से 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई, जो भागलपुर अस्पताल प्रशासन के साथ जिला प्रशासन और लोगों के लिए भी काफ़ी चिंता का विषय है, काफ़ी परेशानी का है। जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे ही फोन की घंटियां बजने लगी और हर तरफ से लोग यह जानने को उत्सुक दिखाई दिए कि किस क्षेत्र में क्या है और कौन इसकी चपेट में आ गया। तो इसको लेकर के काफ़ी अफरा तफरी का फिलहाल माहौल आ रहा कि जिला प्रशासन लगातार इसके लिए पहले से भी प्रयास करता रहा, सरकार ने भी पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। और हम आपको बता दें कि भागलपुर में इसके पूर्व जो 5 पॉजिटिव केस थे उसमें से एक नवगछिया के केस वो ठीक हो चुके हैं और एक डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज के थे वो भी स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी इसके बाद जो है उनकी का रिपोर्ट आना कुछ का बाकी है। और आज जो नए कोरोना पॉजिटिव 6 की जो पुष्टि हुई है वो एक चिंता का विषय है, वो एक परेशानी का कारण भागलपुर के लिए बन सकता है। और हम आपको यह भी बता दें कि जहाँ पे कि बिहार के अन्य राज्यों से जो मजदूर यहाँ पे लाए जा रहे हैं तो उसको भी लेकर के कई लोगों में आशंका देखी जा रही है कि जब लोग बाहर से आएंगे तो क्या पता नहीं और कितनी संख्या वृद्धि हो, चूंकि अब तक जितने भी मामले हैं उसमें से अधिकतर मामला बाहर से आए लोगों के द्वारा ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला आया है। तो हम फिलहाल आपको आज बता दें कि 6 नए पॉजिटिव केस यहाँ पाए जा चुके हैं, जिसके लिए अब जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन पूरी हरकत में आ चुका है और सभी को क्वारंटाइन सेंटर से मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है।